मेरे हाथ में जो आप ये पेपर्स देख रहे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक फाइनल और दो पेजेस का ऑफिशियल बयान आया है। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान से नई अपडेट आई, पीसीबी ने नई डेडलाइन बनाई। तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से टीम इंडिया हो जाएगी बाहर? अब इन 8 टीमों के बीच क्या होगी आईसीसी इवेंट की अगली लड़ाई? तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की लड़ाई अब आगे बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान अपनी अकड़ दिखाता जा रहा है। अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने बीसीसीआई को आंख दिखाई है कि हाँ, श्रीलंका की एंट्री हो जाएगी भारत की जगह पर और फिर श्रीलंका 8वीं टीम बन जाएगी और इंडियन टीम इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ गया है कि भाई साहब वो पाकिस्तान से बाहर मुकाबले करवाने के लिए तैयार नहीं है। सामने क्रम पाकिस्तान ने फाइनली अपना दो पेजेस पर मुश्तमिल ऑफिशियल स्टेटमेंट अपनी क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से रिलेटेड, जिसने हमारे पड़ोसियों के अरमान वो जो दिल में लिए बैठे थे आंसुओं में बहा डाले हैं। पाकिस्तान ने क्लियर किया है कि जो ये सोचता है कि कोई हाइब्रिड मॉडल या न्यूट्रल वेन्यू होगा तो ये उसकी खाम ख्याली है, क्योंकि सारे के सारे मैचेस पाकिस्तान के तीन वेन्यूज पर शेड्यूल्ड कर दिए गए हैं और उन तीनों वेन्यूज की रीबिल्डिंग भी की जा रही है। यानी पाकिस्तान एक बड़ा पैसा खर्च कर रहा है इंटरनेशनल मेयार के स्टेडियम्स की तैयारी पर और यहीं पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले हो जाएंगे। इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट में पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर उन तमाम बोर्ड्स का लिखा भी है जिन्होंने पाकिस्तान आने की हामी भरी है और पाकिस्तान में आकर अपने मुकाबले खेलेंगे, जबकि साथ जली हरूफ में ये भी लिखा है कि किसी किस्म के कोई भी हाइब्रिड मॉडल की किसी भी तौर पर कोई उम्मीद ना रखी जाए। साथ ही साथ एक नए ऑप्शन के बारे में भी खुलकर वजाहत की गई है कि अगर कोई एक मुल्क नहीं आता पाकिस्तान खेलने के लिए, यानी वाजह तौर पर इशारा भारत की तरफ था, तो फिर उसके बजाय 9वीं टीम यानी जो इस वक्त रैंकिंग में 9वें नंबर पर है जिसने क्वालिफाई नहीं किया यानी श्रीलंका, वो पाकिस्तान आकर चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले खेलेगी। लेकिन अगर भारत नहीं आता तो बात जहां पर नहीं रुकेगी, फिर अगले जो 2026 के वर्ल्ड कप T20 भारत में शेड्यूल्ड है उसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये बातें अनऑफिशियल तो जरूर हैं लेकिन खुलकर बताई जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और यही वजह है कि इस वक्त भारत के मीडिया पर मातम का समा है। क्या कुछ चल रहा है आइए आपको दिखाते हैं। तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से टीम इंडिया हो जाएगी बाहर? अब इन 8 टीमों के बीच क्या होगी आईसीसी इवेंट की अगली लड़ाई? तो मेरे हाथ में जो आप ये पेपर्स देख रहे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक फाइनल और दो पेजेस का ऑफिशियल बयान आया है। बयान क्या है मैं आपको इस वीडियो में बता भी देता हूं और इस बयान के बाद अब इंडियन टीम कैसे बाहर होगी वो भी समझा देता हूं। तो देखिए पीसीबी ने जारी किया फाइनल बयान। ये बयान आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आप इसमें लोगो देख सकते हैं और ये पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है चैंपियंस ट्रॉफी पर। और पीसीबी ने कहा है पाक में ही होगी चैंपियंस ट्रॉफी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान में ही होगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और उन्होंने आगे लिखा है 19 फरवरी और 9 मार्च के बीच होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट जो इस पेपर में जो इस ऑफिशियल रिलीज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया है, यानी कि 19 फरवरी और 9 मार्च 20 दिनों के आसपास का टूर्नामेंट रहेगा जो पाकिस्तान में खेला जाएगा। आगे लिखा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने साथ में लिखा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के 3 शहरों में होगा, फिलहाल रेनोवेशन चल रहा है लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से पहले जो रेनोवेशन वर्क है कंप्लीट हो जाएगा और हम 3 शहरों में चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, ये पाकिस्तान का एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लगातार सामने आया। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोल चुका है कि हाइब्रिड मॉडल में हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को नहीं करवाएंगे। अब जब पाकिस्तान का स्टैंड और स्टेटमेंट सामने आ गया है तो उससे क्या होगा? पाकिस्तान जाने पर कोई फैसला नहीं। ये बीसीसीआई के जो सचिव हैं जे शाह का भी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान जाने पर अभी हिंदुस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल फैसला बीसीसीआई की तरफ से भी नहीं लिया गया और टीम इंडिया का पाक जाना नामुमकिन है। हालांकि जो खबरें अब सामने आ रही हैं वो ये हैं कि टीम इंडिया का पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलना वो नामुमकिन है, ये सोर्सेज से खबर है और भारत सरकार से इजाजत नहीं मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। और जिस तरह से लगातार हालात बने हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, आए दिन हम देख रहे हैं किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों में हमारे सोल्जर शहीद हो रहे हैं, आम लोकल हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं उनको देखकर तो यही क्लियर एक क्लैरिटी है कि भारत सरकार से इजाजत नहीं मिलेगी टीम इंडिया को पाकिस्तान जाकर क्रिकेट मैच खेलने की, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने की। तो फिर क्या होगा?
तो टीम इंडिया का खेलना हो जाएगा मुश्किल। तो जिस तरह अगर परमिशन नहीं मिलेगी तो टीम इंडिया खेलना मुश्किल हो जाएगा, टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जा पाएगी। तो भारत नहीं खेला तो श्रीलंका की होगी एंट्री। अगर इंडियन टीम बैकआउट कर जाती है इस आईसीसी इवेंट को खेलने से, अगर इंडियन टीम मना कर देती है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को खेलने से, तब श्रीलंका की एंट्री हो जाएगी। जी हाँ, श्रीलंका की एंट्री हो जाएगी भारत की जगह पर, और फिर श्रीलंका आठवीं टीम बन जाएगी और इंडियन टीम इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान से नई अपडेट आई, पीसीबी ने नई डेडलाइन बनाई। अब आईसीसी बीसीसीआई के पास है कितना वक्त? जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसका काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में खेली जाएगी नहीं खेली जाएगी, आधी अधूरी खेली जाएगी, और किस देश में खेली जा सकती है, ऐसे कई सवाल टीम इंडिया की वजह से इस वक्त अधर में लटके हुए, क्योंकि यह साफ नहीं है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगी या नहीं जाएगी। और टीम इंडिया की इसी असमंजस वाली स्थिति को लेकर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां पर भड़का हुआ है, नाराज है, तो वहीं उसने एक नई डेडलाइन बना दी है, और इस डेडलाइन के चलते आईसीसी और बीसीसीआई दोनों पर ही दबाव बन चुका है। तो क्या है पाकिस्तान से आई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर यह नई अपडेट, चलिए मैं अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। तो जानिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया के खेलने पर जो बड़ी अपडेट आई है उसके मुताबिक बीसीसीआई को फैसले के लिए अब अक्टूबर 2024 की डेडलाइन देने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सिर्फ 3 महीने ज्यादा से ज्यादा और बीसीसीआई को दिए जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ऐसा पाकिस्तान मीडिया में रिपोर्ट आ रही है। आपको अगले 100 दिनों में यह बात तय करनी होगी कि टीम इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाएगी या नहीं। ये 100 दिनों का डेडलाइन एक तरह से अल्टीमेटम टीम इंडिया, बीसीसीआई, आईसीसी सभी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। पीसीबी ने शुरू कर दिया है आईसीसी पर दबाव बनाने का सिलसिला, ये कोशिश शुरू हो चुकी है, और पीसीबी मांगेगा लिखित में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की लड़ाई अब आगे बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान अपनी अकर दिखाता जा रहा है, अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने बीसीसीआई को आंख दिखाई है, एक बार फिर से पीसीबी ने अकर दिखाई है बीसीसीआई को, और साफ तौर पर एक बात कह दी है कि भाई साहब आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद में आईसीसी के साथ साथ अब बीसीसीआई को भी सोचना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान, आपको पता है, लगातार अकर दिखा रहा है, लगातार पाकिस्तान ये बोल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत को आना पड़ेगा, लगातार पाकिस्तान ये बोल रहा है कि आईसीसी को मनाना पड़ेगा, लेकिन बीसीसीआई ने हाल ही में खबर आई थी, कह दिया था कि भाई साहब हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेला जाएगा और भारत के मुकाबले बाहर यूएई में होंगे। यह भी खबर थी कि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी पाकिस्तान से बाहर होगा, लेकिन पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ गया है कि भाई साहब वो पाकिस्तान से बाहर मुकाबले करवाने के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान से बाहर मुकाबले बिल्कुल भी नहीं करवाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं करवाएगा। अब ऐसे में पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है, जाहिर तौर पर एक तरीके से बीसीसीआई को धमकी है या फिर कह सकते हैं कि चेतावनी है।